नमस्कार, मैं वन्नू सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 2247 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,22,156 हो गई है। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीजों की संख्या सामने आ रही है। साथ ही बिहार में बाढ़ का प्रकोप भी काफी तेजी से लोगों को परेशान, जान माल की क्षति भी कर रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 2247 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,22,156 हो गई है। बिहार में फिलहाल 26,181 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। पटना के बेउर इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी। राजधानी के बेउर इलाके से दिन दहाड़े गोलीबारी की वारदात हुई है। जानकारी के मुताबिक बेउर जेल से महज चंद कदमों की दूरी पर बाबा हार्डवेयर के नजदीक गोलीबारी हुई, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई है। वहीं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी है। सूत्रों की माने तो आपसी विवाद में गोलीबारी हुई है। घायलों को आनंद फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई खोखे बरामद किए। भूपेंद्र यादव ने आरजेडी पर बोला हमला। कोरोना संक्रमण के बीच आज दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस वर्चुअल कंप्लेन का विरोध राजद कर रहा है, वह बताए कि वह खुद डिजिटल मोड में है या नहीं। फेसबुक, ट्विटर, डिजिटल मीडिया वर्चुअल है या फिजिकल है? बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले नड्डा, मोदी और नीतीश के विकास को घर घर पहुंचाना है। बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक का रविवार को दूसरा दिन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। विकास के लिए जो काम हुए हैं उसी के भरोसे जनता के बीच जाना है। एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार सरकार पर बिफड़े यशवंत सिन्हा और नरेंद्र सिंह बोले जनता के लिए विकल्प है यूडीए। कोरोना के बीच इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर सियासत गरमाई तेज हो गई है। सिवान में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। मौके पर उन्होंने दावा किया है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में उनकी जीत तय है। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की आतंकी कोशिश। बिहार में बॉर्डर पर हाई अलर्ट। पाक अपने करतूत से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल और भारत के बीच इन दिनों तनाव का माहौल चल रहा है। उसी बीच पाक आतंकी नेपाली रास्ते भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कल दिल्ली में ISI के आतंकी पकड़े गए थे। नेपाल के साथ संबंध खराब होने का लाभ भारत विरोधी तत्व उठाना चाहते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव को पद से हटाया गया। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के पद पर सेनावृत्ति के बाद एक साल के लिए संविदा पर कार्य कर रहे विवेकानंद ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से हटा दिया गया। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। फ्रांस में GST कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1944 और ऑप्शन डी 1954। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नल जल योजना का 28 को करेंगे उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना के तहत कार्य चल रहा है, इसमें हर घर नल योजना भी शामिल है। वही जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 अगस्त को हर घर नल का जल की कई योजना का विधिवत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। पटना में क्राइम अनकंट्रोल, अपराधियों ने 7 दिन में 7 लोगों को मारी गोली, IG नाराज। बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लॉकडाउन को लागू किया गया है। उधर दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार पुलिस अफसरों की तैनाती करने में जुटी हुई है, लेकिन बिहार की तो दूर की बात, राजधानी पटना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आए दिन मर्डर, लूट, चोरी और बलात्कार की घटना सामने आ रही है।